बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी वर्ल्ड इन्फो। फ्रेंड्स, अक्सर दोस्तों का सवाल होता है कि यूएई में ब्लैक लिस्ट हो गए हैं, तो अभी हम वो कैसे चेक कर सकते हैं कि हम ब्लैक लिस्ट हैं। फ्रेंड्स, ब्लैक लिस्ट होने की बहुत सारी वजूहत होती हैं। आपके अरबाब भी आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। अगर आपने यहाँ पर कोई इल्लीगल काम किया होता है तो भी ये आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। तो ब्लैक लिस्ट जो है वो कैसे चेक किया जा सकता है कि आप यूएई में ब्लैक लिस्ट हैं कि नहीं हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अगर यूएई में मौजूद हैं तो आप अपना पासपोर्ट लें, पासपोर्ट के साथ अपनी एमिग्रेशन आईडी लें और वीज़े की कॉपी लें। ये लेके आप लोग चले जाएं एमिग्रेशन में जाएंगे तो आपको उनसे कहना है कि जी हम चेक करना चाहते हैं कि हम ब्लैक लिस्ट हैं कि नहीं हैं। तो जब वो आपका पासपोर्ट आपका डॉक्यूमेंट्स लेंगे, अगर आप लोग ब्लैक लिस्ट होंगे तो वो आपको वहीं पकड़ के बिठा लेंगे और आपको ब्लैक लिस्ट होने की वजह से रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने कोई इल्लीगल काम किया है तो उसकी सज़ा, अगर आपके ऊपर कोई जुर्माना है, फाइन है, तो आपको वो पे करके तो रिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो वे बिल्कुल सही नहीं है। तो आप दूसरे नंबर पर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने किसी दोस्त को या भाई को भेजें अपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके, पासपोर्ट, अपना वीज़ा और अपनी एमिरेट्स आईडी। तो आपका दोस्त या आपका भाई चला जाएगा, आपने साथ में उसको पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको हम कहते हैं वो आपने देना है और जाके वो आपका चेक कर सकता है। उसको कोई इशू नहीं होगा, उसको वो लोग नहीं, अगर आप ब्लैक लिस्ट होंगे तो उस पर कोई भी जो है ना वो नहीं, कोई भी अमल दरामद नहीं किया जाएगा, उसको वहाँ से आने दिया जाएगा। तो तीसरे नंबर पे एक हो जो है वो वे है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई वकील हायर करें, वकील की फ़ीस पे करें और उसको आपको पता करके बता सकता है कि आप यहाँ पे ब्लैक लिस्ट हैं कि नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये तीनों वे जो हैं ये जो हैं आपको राइटिंग में नहीं लिख के देंगे, ये आपको वैसे बताएँगे जी आप ब्लैक लिस्ट हैं कि नहीं हैं। तो इसके बाद एक और जो है वो तरीकाकार है वो आपको विद इन राइटिंग भी मिल जाता है। वो ये है कि आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम करेक्टर सर्टिफिकेट कह सकते हैं या पुलिस क्लियरेंस कह सकते हैं। वो करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो आप अप्लाई करते हैं तो वो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। MOI जो यहाँ की एक एप्लीकेशन है वो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं और ख़ुद भी जो है ना जाके तो वो देख सकते हैं। वो आपको कुछ उसकी फ़ीस होती है वो पे करनी पड़ती है, तो उस वो आपको विद इन राइटिंग पता चल जाता है कि आप ब्लैक लिस्ट हैं कि नहीं हैं। तो अगर आप यूएई से बाहर हैं, अपने मुल्क में हैं, किसी पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, नेपाल में हैं, कहीं भी हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक मंथ का वीज़ा अप्लाई करें। वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये आपको याद रखना होगा कि अगर आप ब्लैक लिस्ट होंगे तो आपको वीज़ा फ़ीस वापस नहीं मिलेगी वीज़ा रिजेक्ट होने की सूरत में। आप वीज़ा अप्लाई करें, अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आप बिल्कुल क्लियर हैं। अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आप लोग जो हैं वो मेरे भाई ब्लैक लिस्ट होगा, तो वो आपकी फ़ीस जाती रहेगी और आपको ये पता चल जाएगा कि जी आप ब्लैक लिस्ट हैं यूएई में, आपके ऊपर कोई जो है ना यहाँ पे केस चल रहा है या आपने कोई यहाँ पे इल्लीगल काम किया हुआ है या आपके ऊपर कोई फाइन है, ये आपको पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपने ब्लैक लिस्ट कैसे मालूम करना है अपना। तो अगर आपको किसी भी और इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि रईस भाई मुझे इस चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो इंफॉर्मेशन लेके आऊँगा। और मेरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिक होती है, जब तक मैं खुद किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं कर लेता कि ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है कि राइट है, तो मैं तब तक वो इंफॉर्मेशन आप लोगों तक नहीं पहुँचाता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।